A program module in C is called an. एक प्रोग्राम मॉड्यूल को सी में क्या कहा जाता है? तो उसको फंक्शन कहा जाता है. ए फंक्शन इज इन्वोक्ड विद एन. एक फंक्शन किससे इन्वोक किया जाता है? तो फंक्शन कॉल से इन्वोक किया जाता है. मतलब कैसे काम में लिया जाता है? तो फंक्शन कॉल से काम में लिया जाता है. ए वेरिएबल दैट्स नोन ओनली विद इन द फंक्शन इन विच इट्स डेफिनेशन इज कॉल्ड इट्स डिफाइंड इज कॉल्ड. ए वेरिएबल दैट्स नोन ओनली विद इन द फंक्शन इन विच इट इज डिफाइंड इज कॉल्ड. कोई फंक्शन है उसके अंदर कोई वेरिएबल है उसको तब ही पहचाना जाता है, उस फंक्शन में ही पहचाना जाता है. इसको क्या कहा जाता है? तो इसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है. द स्टेटमेंट इन द इन ए कॉल्ड फंक्शन इज यूज टू पास द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन. उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? जो कोई भी वैल्यू है वो उस फंक्शन के पास भेजता है जिसने उस फंक्शन को कॉल किया है, तो इसको रिटर्न कहा जाता है, रिटर्न स्टेटमेंट कहा जाता है. कीवर्ड इज यूज्ड इन ए फंक्शन हेडर टू इंडिकेट दैट ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू और टू इंडिकेट दैट ए फंक्शन कॉन्टेन नो पैरामीटर्स. वो कौन सा कीवर्ड है, वो कौन सा शब्द है जो तब काम में लिया जाता है? फंक्शन यूज इन ए फंक्शन एडर, फंक्शन की एडिंग में काम में लिया जाता है. वो ये डिनोट करता है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा या फंक्शन को में कोई पैरामीटर नहीं है. वो कीवर्ड क्या है? तो वो कीवर्ड void है, void. The of an identifier is the portion of the program in which the identifier can be used. Of an identifier is the portion of program in which the identifier can be used. कोई आइडेंटिफायर है या कोई वेरिएबल है या कोई प्रोग्राम नेम है उसको कहाँ तक यूज किया जा सकता है, ये समझाने वाली जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको स्कोप कहते हैं. द थ्री वेज टू रिटर्न कंट्रोल फ्रॉम ए कॉल्ड फंक्शन टू द कॉलर आर. जो जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उस फंक्शन का कंट्रोल, जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसका कंट्रोल उस फंक्शन के पास चला जाता है. अब फंक्शन से वापस जहाँ कॉल किया गया था वहाँ कंट्रोल आए, उसके तीन मेथड हैं. वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं, पहला है रिटर्न, यदि वहाँ रिटर्न लिखा मिल जाए, या रिटर्न आगे कोई एक्सप्रेशन और सेमीकोलन ये लिखा मिल जाए, या क्लोजिंग राइट ब्रेसेस इसको मिल जाए, मतलब कर्ली ब्रैकेट ऑफ हो रहा हो, मजला कोष्टक बंद हो रहा हो, वो फंक्शन में मिल जाए. And allows the compiler to check the number types and order of the argument passed to a function. वो कौन सा क्या होता है जो compiler को ये check करने की अनुमति देता है या ये check करवाता है कि जो है number है वो किस type number है, किस type के हैं, उनका order क्या है जो किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, तो इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप. द फंक्शन इज यूज टू प्रोड्यूस रैंडम नंबर्स. कौन सा फंक्शन है जो रैंडम नंबर्स जनरेट करता है? तो रेंड फंक्शन, RAND. द फंक्शन इज यूज टू सेट द रैंडम नंबर सीट टू रैंडमाइज ए प्रोग्राम. किसी प्रोग्राम को रैंडमाइज करने के लिए कौन सा फंक्शन काम में लिया जाता है? मतलब जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं वो रियली रैंडम बन जाएं, तो उनमें जो सीड इनिशियल वेरिएबल है वो को काम में लेते हैं. वो फंक्शन क्या होता है? तो SRAND फंक्शन होता है. द स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स आर. स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स कौन कौन से होते हैं? चार तरह के होते हैं. कौन से होते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन ऊपर चला गया है. द स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स आर ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न एंड स्टैटिक, ये चार होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन ए ब्लॉक और इन द पैरामीटर लिस्ट ऑफ ए फंक्शन आर एज्यूम टू बी स्टोरेज क्लास अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज. तो किसी ब्लॉक में या
वेरिएबल डिक्लेयर इन ए ब्लॉक, किसी ब्लॉक में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, या पैरामीटर लिस्ट इन द पैरामीटर लिस्ट ऑफ फंक्शन, या किसी फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट में डिक्लेयर किए जाते हैं, वो कौन सी स्टोरेज क्लास में काउंट होते हैं यदि उन्हें स्पेसिफिक नहीं बनाया जाए, तो ऑटो होते हैं। ए नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड एनी ब्लॉक और फंक्शन इज, जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, नॉन स्टैटिक स्टैटिक नहीं होते, और उनको यदि किसी ब्लॉक या फंक्शन के बाहर डिफाइन किया जाए तो वो कौन से वेरिएबल बनेंगे, तो एक्सटर्नल या ग्लोबल वेरिएबल बन जाएंगे और वो स्टैटिक हो जाएंगे। फॉर ए लोकल वेरिएबल इन ए फंक्शन टू रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन कॉल्स टू द फंक्शन, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद द स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर। कोई वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है किसी फंक्शन का, हम चाहते हैं कि वो अपनी वैल्यू को रिटेन करे, वो वैल्यू को बचा कर रखे, जब भी उसको कॉल किया जाता है उसको वही वैल्यू मिलती रहे, तो इसके लिए हमें कौन सी स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर के साथ उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो उसको हमें स्टेटिक स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर करना पड़ेगा। द फोर पॉसिबल स्कोप्स ऑफ एन आइडेंटिफायर आर, कोई आइडेंटिफायर है उसके चार पॉसिबल स्कोप कौन कौन से हैं, तो उसके फंक्शन स्कोप है, फाइल स्कोप है, ब्लॉक स्कोप है, एंड फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप है। ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज ए फंक्शन, कोई फंक्शन खुद को ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ए रिकर्सिव फंक्शन टिपिकली हैज टू कंपोनेंट्स, एक कोई रिकर्सिव फंक्शन होता है उसमें सामान्यतः दो कंपोनेंट होते हैं, दो भाग होते हैं। वन दैट प्रोवाइड्स ए मीन्स फॉर द रिकर्जन टू टर्मिनेट बाय टेस्टिंग, वो एक हमें रिकर्जन को बंद करने का, पूरा करने का एक टेस्ट प्रोवाइड करवाता है उसको, उस टेस्ट को कौन सा केस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। एंड वन दैट एक्सप्रेसेस द प्रॉब्लम एज ए रिकर्सिव कॉल, द स्लाइटली सिंपलर प्रॉब्लम दैट द ओरिजिनल कॉल, और दूसरा प्रॉब्लम को रिकर्सिव कॉल के, दूसरे रिकर्सिव कॉल कहते हैं जिसमें वो थोड़े से सिंपल फॉर्म में उसको खुद को ही कॉल करता है, तो उस बेस, उस केस को क्या कहते हैं, उसको बेस केस कहते हैं। फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम स्टेट द स्कोप आइदर फंक्शन स्कोप, फाइल स्कोप, मेन ब्लॉक स्कोप, फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप, ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें स्कोप समझना है, तो यहाँ आंसर्स भी साथ में लिख दिए हैं। द वेरिएबल एक्स इन मैन, मैन में कोई वेरिएबल एक्स है तो वो कौन सा स्कोप है, क्योंकि मैन फंक्शन के अंदर है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, इसलिए ये ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक के अंदर है। वेरिएबल वाई इन क्यूब, क्यूब नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर कोई वेरिएबल है वाई, तो क्योंकि वो क्यूब फंक्शन के अंदर है, क्यूब फंक्शन के अंदर है मतलब क्यूब फंक्शन के जो कर्ली ब्रेसेस है उनके अंदर है, फिर ब्लॉक के अंदर है, तो ब्लॉक स्कोप हो गया। बाद में द फंक्शन क्यूब, फंक्शन क्यूब क्या है, तो फंक्शन क्यूब यदि किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, बाहर है, सबके बाहर है, तो इसको हम कहेंगे फाइल स्कोप, क्योंकि फाइल स्कोप उसको कहते हैं जो ग्लोबल वेरिएबल टाइप में हो, और फंक्शन खुद होते हैं वो ग्लोबल टाइप में होते हैं, मैन मैन फंक्शन है वो भी फाइल स्कोप में आता है, और द फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर क्यूब प्रोटोटाइप है वो भी फाइल स्कोप में आएगा। द आइडेंटिफायर वाई इन द फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर क्यूब, आइडेंटिफायर वाई इन द फंक्शन, जो क्यूब फंक्शन है उसके प्रोटोटाइप में जो भी वेरिएबल आएंगे वो फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप में ही आएंगे। अब हम इन एग्जांपल्स को और देख लेते हैं किस तरह से हैं। तो पहला था वेरिएबल एक्स इन मैन एंड वाई इन क्यूब आर ब्लॉक स्कोप, तो हमने यहां पर फंक्शन लिए हैं, मैन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लिया इंट एक्स, एक्स को डिक्लेयर किया है, तो ये फाइल स्कोप है क्योंकि ये फाइल नहीं, ये ब्लॉक स्कोप है क्योंकि ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं उनके अंदर ही इसकी पहचान है।
क्यूब फंक्शन के अंदर इंट वाई लिया, इस ये भी ब्लॉक स्कोप है क्योंकि इसकी पहचान इस क्यूब फंक्शन के इन ब्लॉक्स के अंदर ही है। जो फंक्शंस थे मैन, क्यूब एंड क्यूब प्रोटोटाइप, तो मैन फंक्शन, क्यूब फंक्शन एंड क्यूब प्रोटोटाइप, ये तीनों फाइल स्कोप हैं क्योंकि ये पूरे हर पूरे प्रोग्राम में हर जगह वैलिड है। जो फंक्शन प्रोटोटाइप है उसके अंदर जो इंट वाई लिया है वो ब्लॉक स्कोप है, वो फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप है।